नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहिरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो कोरलड्रॉ के चैप्टर 2 में जो है दोस्तों मैं आपको टूल बॉक्स के बारे में बताऊंगा, मतलब कि टूल बॉक्स जो है उनके यूजेस क्या है एक एक टूल्स का। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे दोस्तों चैप्टर 2 में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम जो है कोरलड्रॉ ओपन करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इसे हम टूल बॉक्स कहते हैं। ये जो सारे के लेफ्ट साइड्स में जो सारे के सारे टूल्स हैं इन्हें हम टूल बॉक्स कहते हैं। तो इनकी यूजेस क्या है आज के वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं आपका कोई वक्त नहीं लेते हुए यहाँ पर सीधा बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो आप फर्स्ट देख रहे होगे इसे हम कहते हैं सिलेक्शन टूल। ओके, यह है पिक टूल, मतलब कि सिलेक्शन टूल भी इसे कहा जाता है। इससे जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिया और मैं इसे सिलेक्शन, ये जो पिक टूल है इसे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर इसे मूव कर सकता हूँ इस टूल का यूज़ करते हुए। ओके दोस्तों, तो इसका यूज़ था सिलेक्शन के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। ओके, आप देख पा रहे होंगे। और उसके नीचे आपको शेप टूल दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, और उसके नीचे एक आपको ब्लैक एरो दिखाई दे रहा होगा। उसके अंदर भी, उसका मतलब है उसके अंदर भी और टूल्स है दोस्तों। ओके, तो आपको इस पर क्लिक करना है ब्लैक एरो पे, तो आपको एक शेप टूल मिलेगा। उसकी शॉर्टकट की है F10। तो इसका यूज़ क्या है दोस्तों, आप किसी भी तरीके से आप जो है अपने जो ऑब्जेक्ट लिया है उसको आप शेप दे सकते हो। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर, आप देख पाओगे हम शेप दे पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर किसी भी आप अपने हिसाब से। तो इस तरीके से आप शेप दे सकते हो उस शेप टूल से। ओके, और स्मज, उसके नीचे आपको दिखाई देगा स्मज ब्रश। स्मज ब्रश का यूज़ क्या है दोस्तों, जैसे कि आप देख पाओगे, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हम कोई कलर फिल करते हैं जैसे कि ये, और उसके बाद में मैं आता हूँ यहाँ पर और स्मज टूल यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। तो ये जो है जो सर्कल है मेरा, तो इससे जो है हम बाहर की ओर हमारा शेप ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये क्लिक करता हूँ तो आप देख पाओगे शेप जैसे जैसे बाहर आ रहा है यहाँ पर, वो कलर भी, मतलब आप देख पाओगे। इस हिसाब से हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम स्मर्श टूल से जो है बाहर की ओर शेप ले सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो स्मर्श टूल का ये यूज़ था। ओके, स्मर्श ब्रश का, सॉरी। तो उसके नीचे आपको रॉगन ब्रश दिखाई देगा। इसका यूज़ क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर कोई रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसमें कलर फिल कर देते हैं कोई, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा रॉगेन टूल। ओके, तो हम इसे लेते हैं। तो ये जो है इसकी बॉर्डर के लिए इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। बॉर्डर जो है वो जिगजैग टाइप से कट करता है। जैसे कि आप देख पाओगे इसकी जो बॉर्डर है आउटलाइन, उस पर आप क्लिक करके जो है यहाँ पर लोगे, आप देख पाओगे बॉर्डर अगर आप सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से आपकी बॉर्डर कट होगी जिगजैग टाइप में। ओके, आप देख पाओगे कितना बढ़िया तरीके से ये कट हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से इसका यूज था दोस्तों रॉगन ब्रश का। ओके, तो हम फिलहाल इसे डिलीट करते हैं। इसके बाद में आपको एक और दिखाई देगा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म। तो इसका यूज क्या है दोस्तों, ये रोटेट करने के लिए है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे ट्रांसफॉर्म में सेलेक्ट करता हूँ, तो जिस कॉर्नर पे आप जो है कर्सर ले जाओगे तो वहाँ से ये रोटेट करेगा आप उस आपके ऑब्जेक्ट को। आप देख पाओगे इस तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ पर ले जाता हूँ कर्सर, यहाँ से रोटेट करता हूँ, तो आप देख पाओगे वो जो है वो पॉइंट वहाँ पर ही रखेगा और जो है बाकी का एरिया वो यहाँ पर ये करेगा। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से इसका यूज़ था। तो आई होप आपको ये टूल समझ आ गए होंगे। उसके नीचे आपको दिखाई देगा क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल का यूज़ क्या है दोस्तों, जैसे कि आप क्रॉप टूल सेलेक्ट करोगे और जितना ऑब्जेक्ट आपको चाहिए उतना आप सेलेक्ट करके यहाँ पर डबल क्लिक कर दोगे, तो उतना जो है आपका ऑब्जेक्ट क्रॉप हो जाएगा। ओके, और उसके बाद में आपको दिखाई देगा नाइफ टूल। एक सेकेंड मैं इसे डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और जो है इसमें हम कलर फिल कर देते हैं ब्लू कलर, और यहाँ पर आपको उसके नीचे दिखाई देगा नाइफ टूल। तो नाइफ टूल जो है उसके नेम के हिसाब से ही दोस्तों आप जो है नाइफ टूल को आपके हिसाब से कट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाइफ टूल सेलेक्ट किया और इस तरीके से मैं यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए आता हूँ। जैसे कि हमें इतना एरिया कट कर देना है ऊपर का, तो हम यहाँ पर आएंगे, फिर इसे पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे और ये डिलीट कर देंगे। फिर से एक नाइफ टूल लेंगे, हम जो है इतना एरिया हमें नहीं चाहिए, तो हम फिर से इसे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो आप देख पाओगे इस तरीके से आप शेप भी बना सकते हो नाइफ टूल से, इतना बढ़िया तरीके से। तो नाइफ टूल का यूज़ था दोस्तों, आप अपना जो ऑब्जेक्ट है उसे कट कर सकते हो। ओके, तो हम इसे फ़िलहाल डिलीट करते हैं। उसके बाद आपको दिखाई देगा इरेज़र। ओके, तो इरेज़र भी दोस्तों कुछ इसी तरीके से है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट को इरेज करता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए रेक्टेंगल लेता हूँ, कलर फिल कर देता हूँ उसमें, और हम यहाँ पर आते हैं और जो है इरेज़र टूल ले लेते हैं। तो आप देख पाओगे मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इरेज करता हूँ, तो आप देख पाओगे इस तरीके से मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट इरेज हो रहा है। तो इस तरीके से हम इरेज कर सकते हैं इरेज टूल से। ओके, उसके बाद में आपको दिखाई देगा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। ओके, तो इसका यूज़ क्या है दोस्तों, मैं इसे फिलहाल डिलीट करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इसका यूज़ क्या है, जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ ले लेता हूँ। जैसे कि आप देखिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का जो आपको टूल दिखाई देगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे वो उनको डिलीट करेगा उसमें। जैसे कि अभी हमारा रेक्टेंगल ही आ रहा है इमेज, तो हमारा रेक्टेंगल यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, आप देख पाओगे। और मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू करता हूँ, और अभी हम देख पाओगे हम इतना एरिया हमारा डिलीट करना चाहते हैं। आप देख पाओगे सर्कल भी हमारा सेकंड वाला सर्कल भी यहाँ पर आ रहा है, तो वो भी सर्कल यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस हिसाब से। तो यहाँ पर उसका यूज़ है दोस्तों वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का इसे। ठीक है, मैं इसे फिलहाल डिलीट करता हूँ, इसे भी डिलीट करता हूँ। उसके बाद में आपको जूम टूल यहाँ पर दिखाई देगा, जूम एंड हैंड। तो इसका यूजेज बहुत ही आसान है दोस्तों, जैसे कि आप देख पाओगे उसके नाम के हिसाब से ही हम यहाँ पर जूम करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पर जो है जूम टूल, ये ज़्यादा यहाँ पर मायने नहीं रखते दोस्तों। और हैंड टूल का है यूज़ जो है, हम पेज यहाँ पर इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये इनका यूज़ था, मैं इसे डिलीट करता हूँ फिलहाल के लिए। उसके बाद में आपको नीचे दिखाई देगा, यहाँ पर बहुत ही स्पेशल टूल्स है दोस्तों, जैसे कि फ्री हैंड टूल है। ये सारे के टूल्स जो है इन्हें ये शेप बनाने के लिए, मतलब शेप के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो फ्री हैंड टूल का यूज़ है दोस्तों, आप देख पाओगे यहाँ पर हम इस तरीके से शेप बना सकते हैं, मतलब के ड्रॉ करके। आप देख पाओगे जिस तरीके से आप ड्रॉ करोगे यहाँ पर वो शेप वहाँ पर बनते जाएगा, आप देख पा रहे होगे इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से इसका यूज था दोस्तों। ओके, तो उसके बाद में आपको दिखाई देगा दोस्तों उसके नीचे बेजर टूल। बेजर टूल का यूज़ क्या है दोस्तों, आप वन पॉइंट यहाँ पर लोगे और वन पॉइंट यहाँ पर लोगे, तो ये लाइन जो है आप इसे शेप दे सकते हो इस तरीके से। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर सेकंड वाला टूल मैं इस तरीके से, फर्स्ट आप क्लिक करोगे और सेकंड वाला जो आपका पॉइंट होगा उसको ज्वाइन करते हुए आप यहाँ पर शेप बना सकते हो इस तरीके से। ओके, फिर चाहे आप यहाँ पर कलर भी फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इससे शेप टूल इससे जो है शेप बना सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे दिखाई देगा दोस्तों आर्टिस्ट मीडिया। ओके, आर्टिस्ट मीडिया का जो है दोस्तों ये भी शेप बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका क्या है यूज़, जो कि आप जो है पेंट करते हुए इसका शेप बना सकते हैं। जैसे कि हम पेंट में पेंट करते हैं उस तरीके से, जैसे कि ये ब्रश है, यहाँ पर मैं कुछ पेंट कर रहा हूँ, तो ये शेप यहाँ पर रेडी हो जाएगा हमारा। ओके, इस तरीके से हम उसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है। उसकी प्रॉपर्टी भी आप देख पाओगे यहाँ पर चेंज होगी, तो आप ब्रश वगैरह उसकी विड्थ हाइट यहाँ से ले सकते हो। ओके, तो मैं इसे फिलहाल डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगा पेन टूल। तो पेन टूल भी इस बेजियर टूल के जैसी ही दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे, लेकिन बेजियर टूल में क्या होता था दोस्तों, हम फर्स्ट क्लिक यहाँ पर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट लेकर, और फर्स्ट सेकंड वाला पॉइंट जब तक लेते नहीं है तो ये बीच वाली लाइन यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देगी। तो पेन वाले टूल्स में यहाँ पर फर्स्ट क्लिक हम लोगे, फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे, तो उसके बाद में जो है सेकंड पॉइंट हम जब लेंगे तो उसकी लाइन भी हमें यहाँ पर नजर आएगी। तो सेकंड क्लिक जब हम करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर शेप बना सकते हैं हम। और सेकंड क्लिक आप अगर प्रेस करके रखोगे और फिर कर्सर अगर आप घुमाओगे तो इस तरीके से शेप आप यहाँ पर ले सकते हो, आप देख पाओगे इस तरीके से। ओके, तो पेन टूल का इतना ही यूज़ था दोस्तों यहाँ पर शेप बनाने के लिए। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा पॉलीलाइन टूल। ठीक है, पॉलीलाइन टूल का यूज़ क्या है दोस्तों, आप जो है पॉलीलाइन टूल का जो है फ्री हैंड टूल के तरीके से ही यूज़ है, उसके जैसे ही यहाँ पर जो है आप सीधे सीधे आप ड्रॉ कीजिए तो वो शेप यहाँ पर ले लेगा। उस हिसाब से आप देख पाओगे यहाँ पर आपका शेप जो है कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो वो उस हिसाब से थोड़ा सा उसे जो है ठीक ठाक से करके वो यहाँ पर ले लेगा। ओके, तो इस तरीके से इसका यूज़ है शेप के लिए। मैं इसे फिलहाल डिलीट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा 3 पॉइंट कर्व। ओके, तो 3 पॉइंट कर्व का जो टूल है दोस्तों वो नाम के हिसाब से ही है, उसके जो 3 पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। जैसे कि हम इसे लेते हैं तो आप देख पाओगे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं और सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर लेंगे और क्लिक छोड़ देंगे तो उसके बाद में हम उसे शेप दे सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से आप देख पाओगे हम सिर्फ माउस का कर्सर यहाँ पर घुमा रहे हैं। आपको अगर स्माइली वगैरह बनानी है तो इस तरीके से आप दे सकते हो। यहाँ पर क्लिक करो, स्टेट लाइन यहाँ पर लो और सीधे आप ट्रैक कर सकते हो इस तरीके से। ओके, फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद में आपको यहाँ पर कनेक्टर दिखाई देगा। तो कनेक्टर का यूज है दोस्तों पॉइंट्स कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 पॉइंट और ये 2nd पॉइंट यहाँ पर लिया है हमने, ये 1 पॉइंट यहाँ पर। तो यहाँ से जब हम लेंगे तो ये वाले पॉइंट को हम सीधा कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इसकी इस तरीके से आप देख पाओगे यहाँ पर उसका यूज जो है नाम के हिसाब से ही है, कनेक्ट करने के लिए पॉइंट्स। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं जैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से ये कनेक्ट कर सकते हैं हम पॉइंट्स। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पर डायमेंशन दिखाई देगा दोस्तों। तो डायमेंशन का यूज क्या है, जैसे कि हम रेक्टेंगल लेते हैं कोई और यहाँ पर डायमेंशन का जो टूल है उसे लेते हैं और यहाँ से लेते हुए हम यहाँ तक के इसकी साइज देखना चाहते हैं तो हम साइज यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आके डबल क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर आप देख पाओगे उसकी साइज आपको दिखाई देगी, मतलब उसकी हाइट यहाँ पर दिखाई देगी, हाइट या फिर विड्थ भी आप देख सकते हो। तो इसकी हाइट जो है 148.82 mm में है। तो जो कि आप देख पाओगे, इसे सेलेक्ट करोगे आप तो यहाँ पर आप देख पाओगे उसकी साइज भी। ओके, तो उसका यूज़ था दोस्तों ये डायमेंशन का। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पर स्मार्ट फिल का ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों। ये जो है फिल करने के लिए, ये कलर फिल करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर कोई रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल लेने के बाद में दोस्तों हम स्मार्ट फिल का जो यहाँ पर ये टूल है इसे लेते हैं और उसके बाद में ये आपको यहाँ पर आउटलाइन ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये आउटलाइन के लिए है ये कलर और इधर आपको फिल ऑप्शन दिखाई देगा, मतलब ये जो सेंटर का कलर आप यहाँ से फिल कर सकते हो। इसका आपको स्पेसिफाई रखना है दोनों को और आउटलाइन कलर आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे कि हम ये लेते हैं और फिल कलर हम ये लेते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप देख पाओगे यहाँ पर आउटलाइन भी हमारी आ जाएगी और फिल कलर भी यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा जो हमने सेलेक्ट करके रखा है। तो इसका यूज़ इतना ही था दोस्तों। ओके, तो हम इसे डिलीट करते हैं फिलहाल। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर नीचे की ओर दिखाई देगा ये वाला टूल रेक्टेंगल। ये जो है शेप लेने के लिए है दोस्तों। जैसे कि रेक्टेंगल है, यहाँ पर हम रेक्टेंगल ले रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रेक्टेंगल लेने के लिए शेप ले सकते हैं हम रेक्टेंगल का। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ओके, तो ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल क्या है दोस्तों, आप जैसे कि कोई लाइन खींचिए यहाँ पर और माउस का कर्सर छोड़ दीजिए और फिर सिर्फ माउस आप घुमाइए तो वहाँ पर ये इस तरीके का यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेगा उसने अपने हिसाब से। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ओके, तो उसका यूज था दोस्तों 3 पॉइंट रेक्टेंगल का। ओके, तो फिलहाल के लिए इसे डिलीट करते हैं। उसके नीचे आपको दिखाई देगा इलिप्स। तो इलिप्स यहाँ पर इलिप्स ले सकते हैं हम, मतलब के सर्कल ले सकते हैं शेप के लिए। ओके, आप याद रखिए दोस्तों जो भी आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर दिखाई देगी और उसके बाद में आप यहाँ से भी इस तरीके से चेंजेस कर सकते हो बहुत ज़्यादा आपके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर हम इलिप्स लेते हैं तो ये इलिप्स का टूल है दोस्तों। इस तरीके से हम इसे डिलीट करते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा 3 पॉइंट इलिप्स। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 3 पॉइंट रेक्टेंगल, तो उसी तरीके से ये है। जैसे कि आप कोई यहाँ पर लाइन ले लोगे और कर्सर का पॉइंट जो है छोड़ दोगे यहाँ पर तो यहाँ पर इस तरीके से आप ले सकते हो इलिप्स। ओके, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर सर्कल। ओके, तो इतना इसका यूज़ था दोस्तों, मैं इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा पॉलीगॉन, ओके पॉलीगॉन। तो ये सारे के सारे जो है शेप के लिए, ये दोस्तों शेप यहाँ से आते हैं, पॉलीगॉन का शेप है, आप यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। उसके बाद में जो है ये स्टार का शेप है, उसके नीचे आपको दिखाई देगा कॉम्प्लेक्स स्टार यहाँ पर। उसके बाद में आपको यहाँ पर ग्राफ पेपर लेते आएगा यहाँ पर, उसके नीचे आप स्पेरल ले सकते हो। तो ये शेप्स ये दोस्तों जनरल यहाँ पर, ओके ये शेप यहाँ पे ऑलरेडी है तो आप यहाँ से शेप ले सकते हो। मैं इसे डिलीट करता हूँ, तो उसके नीचे आपको दिखाई देगा शेप, मतलब यहाँ से भी आप और भी शेप ले सकते हो, जैसे कि बेसिक शेप। लेकिन इसकी एक खासियत है, यहाँ पर आपको मल्टीपल शेप्स मिलेंगे दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पर बेसिक शेप में यहाँ पर कोई ले लेते हैं, तो आपको यहाँ पर उसके अंदर के और भी यहाँ पर शेप लेते आएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे सिलेंडर, यहाँ पर स्माइली, हार्ट, तो ये भी आप ले सकते हो। उसके बाद में भी आपको यहाँ पर एरो शेप मिलेंगे, यहाँ पर हम एरो ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर भी आपको मल्टीपल एरोज, यहाँ पर मोर एरोज मिलेंगे दोस्तों, जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर इस तरीके से। तो ये फ्लो चार्ट आपको यहाँ इसके अंदर भी बहुत सारे फ्लो चार्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो ये है शेप, यहाँ पर बहुत सारे आप देख पाओगे, ये सारे के सारे इसके अंदर आपको मोर शेप्स मिलेंगे। यहाँ पर जो है आपको एक ही शेप अवेलेबल होगा, लेकिन यहाँ पर जो है मोर शेप्स यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। शेप लेके आप सीधा यहाँ पर कलर फिल कर सकते हो, ओके। मैं इसे फिलहाल कंट्रोल से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट टूल तो सभी को पता ही होता है दोस्तों, आप जो है टेक्स्ट टूल पे यहाँ पर क्लिक करके कोई भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम मैं लिख देता हूँ, तो इस तरीके से। और उसके बाद में आप जो है प्रॉपर्टी बार में से अपने हिसाब से चेंजेस कर भी सकते हो, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले सकते हो टेक्स्ट टूल से, ठीक है। उसकी शॉर्टकट की है या पेट, ओके। इसे फिलहाल मैं डिलीट करता हूँ सिलेक्शन टूल से, पिक टूल से, ओके दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको दिखाई देगा यहाँ पर ये, इसके नीचे आपको दिखाई देगा टेबल। तो आप यहाँ से टेबल ले सकते हो दोस्तों, इस तरीके से टेबल आपके हिसाब से, या फिर मल्टीपल आपको ज़्यादा टेबल चाहिए तो आप यहाँ पर बढ़ा दीजिए। यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 8, तो आप देख पाओगे यहाँ पर उस हिसाब से हमारा टेबल यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है, ओके। तो इस वाले इसमें से आप जो है टेबल ले सकते हो यहाँ पर टेबल टूल में से, ठीक है। मैं इसे डिलीट करता हूँ फिलहाल के लिए। उसके बाद में है ब्लेंड टूल दोस्तों। ब्लेंड टूल जो है दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि हम यहाँ पर कोई शेप लेते हैं, आप देख पाओगे, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने रेक्टेंगल लिया और यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया, तो हम जो है ब्लेंड टूल पर क्लिक करेंगे और इस वाले को सेलेक्ट करते हुए हम लेके आएंगे इस वाले तक। तो आप देख पाओगे कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर 3D टाइप इसका शेप यहाँ पर तैयार हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इतना हम यहाँ पर कर सकते हैं ब्लेंड टूल के हिसाब से। उसके बाद में दोस्तों हम जो है यहाँ पर कोई और रेक्टेंगल लेते हैं, और उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा कॉन्टर टूल। तो इसका यूज़ क्या है दोस्तों, आप जो है इस तरीके से आप शेप यहाँ पर बना सकते हो। कॉन्टर टूल का मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट को लेकर, ओके। यहाँ पर आप उसकी जो है क्वालिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो आपके हिसाब से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कॉन्टर टूल का यूज़ करते हुए शेप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा डिस्ट्रॉय टूल, ओके। तो डिस्ट्रॉय टूल का यूज़ क्या है दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर कोई रेक्टेंगल लेते हैं, उसके बाद में जो है हम डिस्ट्रॉय टूल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये जो है उस जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको लेकर जो है शेप बना देगा आप उसके हिसाब से। मतलब कि आप यहाँ पर देख पाओगे हमने इसे सेलेक्ट किया, उसके बाद में हम यहाँ पर कोई भी क्लिक करते कहाँ पर भी, तो आप देख पाओगे यहाँ पर मेरा रेक्टेंगल है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा उसका शेप चेंज कर देगा। यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरफ से आप शेप के चेंज कर सकते हो। इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय कर देगा आपके ऑब्जेक्ट को और शेप तैयार कर देगा, ठीक है दोस्तों। मैं फिलहाल के लिए इसे डिलीट करता हूँ। उसके नीचे आपको दिखाई देगा इन्वेलप टूल, ओके। तो हम इन्वेलप टूल पर क्लिक करते हैं दोस्तों। इन्वेलप टूल भी दोस्तों एक शेप बनाने के लिए जैसे ही है, जैसे कि हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए, और इन्वेलप टूल पे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इन्वेलप टूल। तो आप देख पाओगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आ जाएंगे, तो आप जो है पॉइंट्स को लेकर कहाँ से भी आप अपना शेप यहाँ पर चेंज कर सकते हो आपके ऑब्जेक्ट का। जैसे कि इस तरीके से आप देख पा रहे होगे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को लेकर ऑब्जेक्ट का शेप आप चेंज कर सकते हो इन्वेलप टूल से, ओके। तो इसका यूज़ उतना ही था दोस्तों, मैं इसे फिलहाल डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद में आपको उसके नीचे एक टूल मिलेगा दोस्तों, जैसे कि एक्सट्यूट। तो एक्सट्यूट का है जो है दोस्तों टूल, वो मतलब 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ ले लिया है, एक्सट्रूड पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद में हम जो है इसे 3D में बता सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, इस तरीके से मैं फिलहाल के लिए आप देख पाओगे 3D हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर तैयार हुआ है। मैं इसकी जो है आउटलाइन यहाँ पर हटा देता हूँ, तो आप देख पाओगे इस तरीके से हमारा शेप यहाँ पर तैयार हुआ है 3D थोड़ा। तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद में आपको दिखाई देगा नीचे ट्रांसपेरेंसी। तो जैसे कि हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसे यहाँ पर कलर फिल कर देंगे और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का जो टूल है दोस्तों, इससे हम सेलेक्ट करते हैं। और ये जो है जिस तरह से आप जो है जिस साइड से आप जो है ड्रैग करोगे अपना कर्सर, तो उस तरफ से वो जो है आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करेगा। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर, आप देख पाओगे ऊपर की ओर मेरा जो है ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो गया है। यहाँ पर आप उसकी लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो, इसकी आप ये बढ़ा सकते हो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी या फिर इस तरीके से। ये ज़्यादातर यहाँ पर जो है विजिटिंग कार्ड के वक्त जो है दोस्तों इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, तो हम इसे फिलहाल डिलीट करते हैं। उसके बाद में जो है दोस्तों, के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर आई ड्रॉपर का और पेन बकेट का टूल यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि हम यहाँ पर पेन बकेट लेते हैं। आई ड्रॉपर क्या है दोस्तों, आई ड्रॉपर जो है आप कोई कलर सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से वहाँ पर वो फिल हो जाएगा, मतलब। लेकिन इसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम होता है, तो इसका ज़्यादातर मैं आपको यहाँ पर वक्त नहीं लूँगा उसे समझाने के लिए। हम सीधा पेन बकेट जाते हैं, तो हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, सीधा आप यहाँ पर पेन बकेट पर क्लिक करेंगे, कोई कलर यहाँ से चूज़ करेंगे तो वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए भी इसका यूज़ होता है, लेकिन ये ज़्यादा तो यूज़ यहाँ पर नहीं किए जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ उन्हें समझाने के लिए। तो ये इतने मेन पॉइंट्स नहीं है। उसके बाद में नीचे आपको दिखाई देगा आउटलाइन। ये जो है ऑब्जेक्ट जो है आउटलाइन के लिए, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं और आउटलाइन इसकी येलो कर देंगे, तो यहाँ से हम आउटलाइन बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से। आप देख पाओगे आउटलाइन कितनी यहाँ पर हमारी, उसकी थिकनेस जो है यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो ये आउटलाइन उसके लिए है दोस्तों। ओके, तो उसके नीचे आपको दिखाई देगा यूनिफॉर्म फिल, फाउंटेन फिल। ये जो है दोस्तों ग्राफिक बढ़ाने के लिए आपका यूज़ किया जाता है इनका। तो इनका जो यूजेज है मैं आपको यहाँ पर फिलहाल एक बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, और जो है इनका यूज़ क्या होगा दोस्तों, ज़्यादातर जो है हम ज़्यादा ग्राफिक का जब वर्क करेंगे अगले लेसन में, तो इनका यूज़ होगा ही, तो उसमें आप समझ जाओगे। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये सारे टूल्स काम करते हैं। जैसे कि ये फाउंटेन फिल है यहाँ पर, तो जैसे कि हाँ, फाउंटेन फिल पर हम क्लिक कर देते हैं दोस्तों। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ से हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर जो है मल्टीपल कलर्स हम ले लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से। यहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज कर देते हैं। ओके, तो आप देख पाओगे मैं इसे ओके करता हूँ, तो यहाँ पर जो है किस तरीके से ग्राफिक का यूज़ करते हुए ज़्यादा एडिशनल ग्राफिक आप बढ़ाते हुए यहाँ पर उस तरीके से उसने यहाँ पर कलर फिल किया है। तो इसका जो ज़्यादा यूज़ होगा दोस्तों अगले लेसन में हम देखेंगे, जबकि हम विजिटिंग कार्ड या फिर जो है बैनर वगैरह, लोगो वगैरह जब हम बनाना सीखेंगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे ये, तो उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। ओके, तो इन सारे टूल्स का यही यूज है दोस्तों। ओके, उसके बाद में आपको दोस्तों एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर टूल मिलेगा, इंटरैक्टिव फील टूल। ओके, तो इसका यूज क्या है दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है एक सेकेंड मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर करता हूँ। ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, और यहाँ पर आके जो है इंटरैक्टिव फील्ड पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ग्रेडियंट टू की तरह वो यहाँ पर कलर फिल करेगा आपके ऑब्जेक्ट में। आप देख पाओगे यहाँ पर इस तरीके से ले रहा है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो उसका, यहाँ से सेकंड वाले का भी कलर आप चेंज कर सकते हो और आपके हिसाब से आप फिल कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो इसका इतना ही यूज़ था दोस्तों। मैं इसे फिलहाल डिलीट करता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको और एक यहाँ पर टूल मिलेगा, मेश फील। तो मेश फील का यूज़ क्या है दोस्तों, जैसे कि हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लेते हैं, और जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करके रखा है उसमें जो है ये मेश टूल जो है लाइंस डाल देगा, मतलब के ग्रेड यहाँ पर डाल देगा इस तरीके से। और जो पॉइंट्स यहाँ पर आए हैं उस पॉइंट्स को लेकर आप यहाँ पर आपका जो है शेप चेंज कर सकते हो ग्रेडियंट का। ओके, इस तरीके से। ये जो रेड एरोज है दोस्तों, मतलब रेड लाइन जो आई है, वहाँ पर जो कोई लाइन नहीं है तो वहाँ पर आप शेप नहीं ले पाओगे। आप देख पाओगे मेरा सिर्फ तो यहाँ पर रेक्टेंगल था, तो उसमें जब अगर लाइंस, जितने लाइंस हो गए तो वहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेगा। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पर शेप दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इतना यूज़ था। तो जो ये सारे पॉइंट्स जो थे दोस्तों, सारे के सारे टूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। तो इनमें से कुछ टूल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों, तो आप एक बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अगले लेसन में हम किसी और पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों, और जो है वन बाय वन लेसन में हम अलग अलग पॉइंट्स पे बात करते आएंगे, जैसे कि विजिटिंग कार्ड बनाना हम सीखेंगे, लोगो बनाना सीखेंगे, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग मतलब, और जो है टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग, यहाँ पर सारी की सारे पॉइंट्स हम क्लियर कर देंगे दोस्तों। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह की मोर वीडियोस पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अभी की वीडियो में इतना ही दोस्तों, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।